किसान भाइयों, ये मेरा फार्म है। आज है 19 मई 2019, और अभी मैं दिखाऊंगा ये मेरी जो वेस्टर्न साइड है, इसमें देखिए ये भुट्टे वाली मक्का मैंने लगाई है जो पूरी ऑर्गेनिक है। ये नींबू की लाइन है और ये बीच में मैंने दो और मक्का लगाए हैं। आज इन पर मैंने माइक्रो न्यूट्रेंट पत्ती के रस और डिकम्पोजर का छिड़काव कराया है, और थोड़ी कल इनकी जड़ों में 100% वेस्ट डिकम्पोजर का ड्रिंचिंग कराया था। ये भी नींबू की लाइन है, ये मक्का है, और ये मेरी देखिए कितनी अच्छी इसमें जो मेरी भुट्टे हैं, ये बहुत अच्छा भुट्टा मुझे बताया था श्रीराम वालों ने। ये देखिए, आपको थोड़ा सा क्लोजअप में दिखाता हूँ। ये देखिए कितना अच्छा है, कितना ग्रीन है, ये प्योर ऑर्गेनिक है, इसमें मैंने कोई भी केमिकल नहीं डाला। ये नींबू की लाइन है, इसमें अभी निराई गुड़ाई करके मैंने पानी चला दिया है। ये अमरूद की कटिंग से पहले का अंतिम पानी है, और ये देखिए ये वो मेरे लेमन के प्लांट्स हैं। ये फिर एक और भुट्टे की लाइन है, और ये कल मैंने एक ट्रैक्टर मंगाया था जो सोनालिका D22 था, उससे मैंने खेत की निराई गुड़ाई करी। अब पूरा व्यू देखिए आप खेत का, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। ये देखिए पूरा व्यू किसान भाइयों, दिस इज माय ड्रीम प्रोजेक्ट। दिस विल इंक्रीज माय लाइफ स्पैन एंड हैज गिवन मी सम ऑब्जेक्टिव टू लाइव मोर। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। अब आज मैं इसमें रात को पानी चलाऊंगा, और इसके बाद में ये पूरा देखिए, आप देखिए कितना खूबसूरत, कितना साफ सुथरा है। जो मैंने पहली वीडियो में बताया था उसको मैं ये दिखा रहा हूँ कि आज इसकी जड़ों में देखिए बिल्कुल मैंने सब सफाई करा दी है। ये देखिए थोड़ा बहुत जो घास था वो ऐसे निकलवा दिया जो जड़ों में बचा था। और किसान भाइयों, इसमें दो तरह के पौधे हैं। एक ये पौधा है जो मैंने 5 फरवरी को ट्रांसप्लांट किया था, जो पहला ख़राब हो गया था। ये L49 का पौधा है, देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ है। ये पुराने वाला पौधा है तो, और ये भी पुराने वाला पौधा है, देखिए कितना अच्छा पौधा है। तो इनमें मैं जो पुराने वाले हैं इनमें मैं खाद डलवाऊंगा, जो जड़ों में अगले शनिवार को मैं दिखाऊंगा कि किस प्रकार में चारों तरफ खाद का प्रबंधन करेंगे, और उसके बाद में इसकी कटिंग स्वयं करूंगा। मैं कम से कम प्रत्येक पौधे में 15 किलो खाद डलवाऊंगा, और आधा किलो मैंने सरसों की खली सोचा है, और लगभग आधा किलो या 200 ग्राम बोन मील अभी डिसाइड करूंगा घर जाकर कितना। ये देखिए कितना अच्छा है। और किसान भाइयों, जो इसके पास में जो चारों तरफ मैंने इंटरक्रॉप के रूप में जो भुट्टे लिए हैं बहुत अच्छे मेरे को लगते हैं। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये मेरा सामने सेटअप है और ये मेरी लाइन है, देखिए कितनी अच्छी, इधर से देखिए लाइन लग रही है कितनी अच्छी, बिल्कुल साफ सुथरा। और ये मेरी इस कॉर्नर से मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा लगभग 2 एकड़ का मेरा है, तो इसमें लगभग थोड़ी सी जगह कम है। ये देखिए ये मेरा लेमन की साइड है, तो मैंने बिल्कुल साफ करा दिया। इसमें मैंने भाई को कहा है कल पानी चलाएगा, इसमें आज रात को मेरे अमरूद में चले गए कितना खूबसूरत। और ये देखिए मक्का, इसमें बिल्कुल मैंने कोई केमिकल यूज नहीं किया। इस खेत में किसान भाइयों आज तक मैंने करीब 1.5 साल हो गए कोई केमिकल यूज नहीं किया। देखिए कितनी अच्छी मक्का, यहाँ पर मेरी बेबी कॉर्न थी इस लाइन में, देखिए कितनी अच्छी, ये देखिए ये बिल्कुल कितनी खूबसूरत आप पा सकते। हाँ
किसान भाइयों, मुझे सिर्फ 2 दिन मिलते हैं सप्ताह में। मैं देहरादून में जॉब करता हूँ, 30 सितंबर को रिटायर हो रहा हूँ, और मैं शुक्रवार की शाम को आ जाता हूँ और मंडे की सुबह 6 बजे ऑफिस के लिए निकलता हूँ। ये 20 तारीख को 11 महीने का बाग होगा ये पूरा। कल 11 महीने का बाग हो गया। ये है पीछे मेरा ट्यूबवेल और ये है मेरी वर्मी कंपोस्ट यूनिट, जिसमें 6 वर्मी बैग मैंने लगाए हुए हैं रॉक फॉस्फेट के साथ। उम्मीद है मुझे 15 जून तक उसमें खाद मिलेगा, जिसे मैं अपने नए पौधों में प्रयोग करूँगा। आज है 20 मई 2019 और यह सुबह सुबह का समय है, 7:15 बजे हैं और मैं ऑफिस जा रहा हूं, तो मैंने गाड़ी रोक कर थोड़ी देर के लिए, क्योंकि रात में इसमें पानी चला था, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। बस ये मैं दिखाना चाहता था, ये मेरा जून की कटाई से पहले अंतिम पानी है। अब मैं इसको अगले शनिवार को ट्रैक्टर से इसकी बीच बीच में जुताई कराकर और खाद प्रबंधन कराऊंगा।